चार्ज रहेगा। अगर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो आप इसे बोलते हो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। अगर H पर नेगेटिव चार्ज रहे तो आप इसे बोलते हो हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हो बच्चों? तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्राइड आयन। तो यहां से हाइड्राइड आयन इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होगा, और जब हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होगा तो जरा देखिए पहले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन मौजूद थे? दो, दो। एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या हो जाएगा? CH3। डबल बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पे जंप करके किसके ऊपर आ जाएगा? अगर अल्काइल ग्रुप, CH3 क्या है? अल्काइल ग्रुप है ना, और इसके साथ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहे तो इसको हम बोलते हैं एल्क ऑक्साइड आयन, एल्क ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? एल्क ऑक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? एल्क ऑक्साइड आयन। अगर अल्काइल ग्रुप हो और साथ ऑक्सीजन हो और इस पे नेगेटिव चार्ज हो तो इसको हम बोलते हैं एल्क ऑक्साइड आयन। तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन है जिन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसको हम बोलेंगे मेथॉक्सी आयन। क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी आयन। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर थ्री है। स्टेप नंबर थ्री में क्या होगा? ये मिथॉक्सी आयन इस फॉर्मिक एसिड से दोबारा मिलेगा। ये अब इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये इस एच पॉजिटिव को खींचेगा तो क्या बन जाएगा? मेथनॉल यानी अल्कोहल। मैंने क्या कहा था कि जब भी आप कैनिजारोस रिएक्शन कराते हैं तो एक एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है? अल्कोहल में, और वो होता है जिसकी रिडक्शन हुई हो। तो यहां पर ये अल्कोहल बन गया, बाकी क्या बचा? ये इलेक्ट्रॉन पे जंप करके इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अब ये दोबारा NaOH के साथ मिलेगा, NaOH इज अ बेस, तो Na पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये O इस Na को खींच देगा, ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का साल्ट बन गया। और साथ में क्या बच गया? OH नेगेटिव। साथ में क्या बच गया बेटा? OH नेगेटिव। क्लियर होगी बात? तो आप देखें एक तरफ साल्ट बनना था और एक तरफ क्या बनी थी? अल्कोहल। जब अल्कोहल बनी है तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की क्या हुई है? रिडक्शन। और जब साल्ट बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो उसका मतलब है दूसरी तरफ क्या हुई है? ऑक्सीडेशन।